वेलकम बैक एवरीवन। तो आज अपन फिर से ये न्यू कंपोजिट बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट के इनसाइड की सिलेक्शन बना लूँगा। आप कोई भी सिलेक्शन टूल ले सकते हैं, मैं क्विक सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। सिलेक्शन एक्टिव रहते हुए मैं मास्क के बटन पर प्रेस करूंगा। मास्क पर जाके कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। अपन सेकंड इमेज में आके कंट्रोल ए प्रेस करेंगे जिससे पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से इसको अपन पेस्ट कर देंगे। ये इमेज को मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करके इसके नीचे ले आऊँगा। इसको राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इस लेयर का मैं नेम चेंज कर देता हूँ। आइलैंड वाली लेयर को कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे अपन। ट्रांसफॉर्म करने के बाद अपन एक न्यू लेयर ले लेंगे और क्लोन स्टैम्प टूल यूज करेंगे। आप यहाँ सैम्पल करेंट एंड ब्लो सेलेक्ट कर लें, जिससे ये होगा इसके नीचे वाली ही लेयर से ये सैम्पल करेगा। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ऑल्ट का बटन प्रेस करके अपन इसका सैम्पल लिंक का पेंट करेंगे। फिर मैं एक और न्यू लेयर ले लूँगा और ब्रश यूज करूँगा। आप ओपेसिटी कम रखें, लाइक 10%, और ब्लैक कलर लेंगे और अपन कप के इनसाइड पेंट करेंगे, जिससे इसके थोड़ी शेडो दिखेगी। मैं एक एडजस्टमेंट लेयर ले लूँगा और ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की ब्राइटनेस मैं बहुत माइनस पे ले जाऊँगा। फुल माइनस पे ले गया हूँ, -150। मास्क पर है कि अपन कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं वाइट कलर लेता हूँ और इस मास्क पे पेंट करूँगा मैं। अपना कंपोजिट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप चाहें तो उसमें और डिटेल ऐड कर सकते हैं, लाइक बर्ड्स, फिशेस, कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। तो मैं बर्ड्स ऐड कर लेता हूँ उसमें। मैंने एक बर्ड्स की इमेज ले रखी है। आप लासर टूल ले लें, एल प्रेस कर देंगे तो भी लासर टूल आ जाएगा। ये रहा लासर टूल। लेने के बाद आप सिलेक्शन बनाएंगे और अगर आप दूसरी सिलेक्शन बनाएंगे तो पहली वाली सिलेक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें जिससे सिलेक्शन ऐड होती जाएगी। तो आप कुछ बर्ड्स ऐड कर लें सिलेक्शन में। तो मैंने सिलेक्शन बना ली है। मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, जितने भी ये सिलेक्टेड एरिया है वो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल सी
और इधर आके मैं सबसे टॉप पे इस पर पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी, कंट्रोल टी करके इसको रिसाइज कर लेंगे अपन। इस लेयर को अपन मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड में डाल देंगे, जितने भी ये वाइट एरिया था वो चला जाएगा। ये देखिए नॉर्मल और जो मल्टीप्लाई, कंट्रोल एल प्लस करके इसके वाइट और मैं माइनस कर दे जाऊंगा। फिर मैं इन सब की एक मर्ज कॉपी ले लूंगा कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ए प्रेस करके, कंट्रोल चेक कर दे जिससे एक और कॉपी हो जाएगी। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब अपन इस पर ग्लोबल एडिट्स करेंगे, फिल्टर कैमरा रॉ फिल्टर में जाके कंट्रोल शिफ्ट है इसका शॉर्टकट है, आप वो भी प्रेस करेंगे तो कैमरा रॉ फिल्टर ओपन हो जाएगा। मैं फिर से एक और मर्ज कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, और उसकी भी कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल जे, और उसको मैं डाल रहा हूँ ओवरले ब्लेंडिंग मोड में। और फिर मैं जाऊँगा फिल्टर अदर और हाई पास में। अब मैं ऑल्ट का बटन दबाऊंगा और मास्क पे प्रेस कर दूंगा जिससे नेगेटिव मास आ जाएगा। अब अपन ब्रश ले लेंगे और कैपेसिटी अपन 50% कर लेते हैं, जूम करेंगे और वाइट कलर से इस पे अपन पेंट करेंगे। जहां जहां अपन पेंट करेंगे वाइट कलर से मास्क पे, वहां वहां शार्पनेस शो होने लगेगी। तो बस आप कप के अंदर ही शार्पनेस ऐड करें, बाहर मत करिएगा। तो ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर। अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा है तो आप ओवरले ब्लेंड मोड की बजाय सॉफ्ट लाइट यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा कम इफेक्टिव रहता है। ये देखिए मेरे हिसाब से सॉफ्ट लाइट ही ठीक है। कंट्रोल जीरो से फिट टू कैनवास हो जाएगा। इन सब के ऊपर मैं कलर लुकअप टेबल ले लेता हूँ ग्लोबल एडिटिंग के लिए। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें विनेटिंग ऐड करूंगा जिसके लिए मेरे को फिर से मर्ज कॉपी लेनी पड़ेगी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। फिर मैं जा रहा हूँ फिल्टर कैमरा रॉ फिल्टर पे और इस पर ऐड करूंगा विनेटिंग। मैं एक रेडियल फिल्टर लूंगा और इसके बिल्कुल सेंटर पे ले आऊंगा कप के, और इसको मैं कर दूंगा इनवर्ट, यानी आउटसाइड इफेक्ट जो रहेगा वो आउटसाइड रहेगा। अब मैं इसके जो भी मैं इसमें चेंजेस करूंगा वो इफेक्ट इसके बाहर अप्लाई होगा। जो देखिए
ये रहा आफ्टर और ये रहा बिफोर। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं खुद रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। और आप मुझे स्नैपचैट पर ऐड भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर आपने पहले ही कर रखा है तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।